आप में से कई स्पाइडरमैन के डाई हार्ट फैन होंगे, जो एक झटके में चलती ट्रेन को अपने जाल में फांस कर रोक सकता है। इस फिल्म की मदद से हमें पता चलता है कि मकड़ी का जाल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। पेंसिल की मोटाई जितना जाड़ा जाल एक पूरे बोइंग 747 को रोक सकता है। शॉक लगा ना? लेकिन इससे भी शॉकिंग बात तो ये है कि मकड़ी के जाल जैसा एक बहुत बड़ा जाल अंतरिक्ष में दिखा। आप भी सोच में पड़ जाओगे कि स्पेस में ऐसा कोई जाल आखिर कौन बना सकता है। लेकिन ये सच है, ऐसे ही एक जाल को ढूंढ निकाला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, जिसे देख यकीन मानिए आपके होश भी उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक कॉस्मिक स्पाइडर ने एक ऐसा पेचीदा जाल बना रखा है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को भी हैरान कर रखा है। आप भी ये सुनकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में प्लाज्मा का 570 प्रकाश वर्ष लंबा जेट करीब प्रकाश की स्पीड से दूर मौजूद ब्लेजर द्वारा फेंका जा रहा है। सुपरमैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास ऐसा ही होता है। ये दिलचस्प ब्रह्मांडीय घटना हाल ही में रेडियो टेलीस्कोप्स और रेडियो एस्ट्रॉन सैटेलाइट टेलीस्कोप के नेटवर्क की मदद से सामने आई। ये घटना लंबे वक्त से चली आ रही संभावनाओं में से बहुत ही अलग है। वही ये एस्ट्रोफिजिकल जेट के बर्ताव में आश्चर्यजनक पेचीदगियों को बताता है। ऐसे में ये अद्भुत खोज दुनिया और उसके रहस्यों के बारे में अब तक की हमारी सोच के लिए क्या मायने रखती है, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, अब आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में सोचिए, जो एक दूर की गैलेक्सी के बीच में छिपा हुआ है और जो दिखता है एक शैतान ब्रह्मांडीय मकड़ी की तरह, जो प्लाज्मा के एक जेट को एक कॉम्प्लेक्स मुड़ी हुई रस्सी में घुमाकर लगभग प्रकाश की स्पीड से आगे बढ़ा रहा है। आप सोच रहे होंगे, हमें ये सब कैसे पता? दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स ने रेडियो टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क का इस्तेमाल कर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना को देखा, जिसमें रेडियो एस्ट्रॉन स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है। ये नेटवर्क इफेक्टिवली एक पृथ्वी के आकार का एंटीना है, जिसे 3C279 नामक दूर स्थित ब्लेजर के सेंटर में ट्रेन किया गया था। ये ऑब्जर्वेशंस वैज्ञानिकों के लिए किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले एस्ट्रोफिजिकल जेट की अब तक की सबसे डिटेल्ड झलक को दिखाते हैं। और उन्होंने जो ढूंढ निकाला वो था जेट के सोर्स के पास एक मुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये नई इमेज 4 दशकों से चली आ रही मौजूदा थ्योरीज को चुनौती देती है। ऐसी थ्योरीज जो ये बताते हैं कि ये जेट कैसे बनते हैं और वक्त के साथ ये कैसे बढ़ते हैं। अंडालुसिया के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के टीम लीडर और शोधकर्ता एंटोनियो फ्यूंटेस ने अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए कहा कि रेडियो एस्ट्रॉन और पृथ्वी भर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली 23 रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क का शुक्रिया, जिनकी वजह से हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन पर अब तक के ब्लेजर्स के इंटीरियर की तस्वीरें हासिल हुई, जो हमें पहली बार जेट की इंटरनल संरचना को इतने डिटेल में देखने का मौका दे रही है। अब इससे पहले कि हम इन नतीजों में गहराई से उतरे, आइए कुछ बातें क्लियर कर ले। दरअसल 3C279 जैसे ब्लेजर्स आम तौर पर गैलेक्सीज के दिल यानी सेंटर होते हैं। वे एक विशाल ब्लैक होल की मेजबानी की वजह से शानदार ढंग से चमकते हैं। इसका मतलब ये है कि गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स उनके द्वारा खाए जाने वाले मैटर का लगातार मंथन करते रहते हैं। ये मटेरियल ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल की चपटी प्लेटों के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिन्हें अक्रिएशन डिस्क के रूप में जाना जाता है। इन घटनाओं को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। वे अक्सर इतनी तेजी से चमकते हैं कि वे अपने पड़ोसी गैलेक्सीज के सभी तारों को भी मात देते हैं। हालांकि इनमें से लगभग 10% एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई फीड करते वक्त एस्ट्रोफिजिकल जेट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
जिसे क्वेजार्स के रूप में जाना जाता है। जब इन क्वेजार्स के जेट सीधे पृथ्वी पर टारगेट होते हैं तब उन्हें ब्लेजार्स कहा जाता है। 3C279 के नए ऑब्जर्वेशन से प्लाज्मा जेट और इस ब्लेजार्स के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की बेहतरीन डिटेल्स सामने आई हैं। ये पहली बार है जब हमने ऐसे फिलामेंट्स को जेट के सोर्स के इतने करीब देखा है। ये फिलामेंट्स ये बताते हैं कि ब्लैक होल कैसे प्लाज्मा पर असर डालता है, जिससे जेट में ट्विस्ट्स और टर्न्स आते हैं। ट्विस्टेड फिलामेंट्स यानी सूत्र प्लाज्मा जेट में अस्थिरता का नतीजा है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये जेट को सीमित करने वाले पेचदार मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जेट के प्लाज्मा को राह दिखाते हुए उसे गाइड कर रहे हो, जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग करीब की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये रिसर्च इस बात पर जोर देता है कि ब्लेजार्स और उनके जेट के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल की फीडिंग से जुड़े प्रोसेस को समझाने के लिए ज्यादा सटीक मॉडल की जरूरत पर भी जोर देता है। इम्प्रूव रेडियो टेलीस्कोप्स और एडवांस इमेजिंग टेक्निक्स की मदद से हम इस तरह के दूर के ऑब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी के एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम एक पूरी तरह से नए इलाके में घुस रहे हैं, जिसमें ये फिलामेंट्स असल में जेट बनाने वाले ब्लैक होल के आसपास की सबसे मुश्किल प्रोसेस से जुड़े हो सकते हैं। तो अब आपके सामने हो गया एक ऐसे ब्रह्मांडीय राज का पर्दाफाश जो एस्ट्रोफिजिकल जेट्स की हमारी समझ और उन्हें आकार देने में मैग्नेटिक फील्ड्स के रोल को चुनौती देता है। अब जबकि हम ब्रह्मांड के राज को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, तो एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमारा ये ब्रह्मांड ऐसे कई राजों से भरा है जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।